सो हेलो गाइस, तो आज की इस वीडियो का हम बात कर रहे हैं कि जी बी व्हाट्सएप पर कोई भी आपको फोटो या वीडियो भेजता है तो वो फोटो वीडियो जो है अपने आप डाउनलोड होकर जो है गैलरी में चला जाता है। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, यहाँ पे आप देखते हो ये कोई भी बंदा एक फोटो भेजा है जो है कि वीडियो है, ये जो है अपने आप डाउनलोड होकर गैलरी में नहीं जा रहा, क्योंकि मैंने सेटिंग कर रखा हूँ। और आप भी अपने चाहते हो कि कोई भी बंदा वीडियो फोटो भेजे अपने आप गैलरी में ना जाए तो वाला सेटिंग को इनेबल कैसे करना है तो मैं बताऊँगा बने वीडियो में लास्ट तक। बट उस अगर छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर सेट करें, चलिए मैंने टाइम वेस्ट करके स्टार्ट करें और सिखाते हैं कि कैसे करना है ये वाला सेटिंग को। तो चलिए सबसे पहले क्या करना है, अपने मोबाइल को होम स्क्रीन के ऊपर आ जाना है। होम स्क्रीन के ऊपर आने के बाद अगर अभी तक आप लोगों ने जी बी व्हाट्सएप को डाउनलोड नहीं किया तो बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में दे दी, वहाँ से आप मेरे वीडियो वॉच करके जो है ऑलरेडी जी बी व्हाट्सएप को डाउनलोड करना सीख जाओगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने जी बी व्हाट्सएप को यहाँ से ओपन करना है, बहुत ही छोटा सा वीडियो होने वाला है तो आपको यहाँ से ओपन करना है। ओपन आप जैसे करोगे यहाँ पे अपने किसी बंदे को चैट में आना है, चैट में जैसे हो गए यहाँ पे देखते हो ये बंदा एक वीडियो भेजा है तो ये जो है अपने आप डाउनलोड होकर गैलरी में नहीं जा रहा है, तो मैंने सेटिंग कर रखा है इसलिए नहीं जा पा रहा है। आपको भी ये वाला सेटिंग कर लेना है। तो कैसे करना है, आपको यहाँ पर थ्री डॉट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर यहाँ से करना है। आप जैसे वाला थ्री डॉट वाला ऑप्शन पर क्लिक करोगे बहुत सारे यहाँ पर सेटिंग देखने मिलेगा, जैसे कि जीबी सेटिंग और यहाँ पे सबसे नीचे से आप देखोगे तो सिर्फ नॉर्मल सेटिंग दिखने को आपको मिलेगा। तो आपको नॉर्मल सेटिंग वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। आप जैसे क्लिक करोगे यहाँ से आपको स्क्रॉल करके नीचे की साइड आ जाना है। आप नीचे की साइड आओगे जैसे यहाँ पे आपको देखेंगे स्टोरेज एंड डाटा का ऑप्शन, आपको इस स्टोरेज एंड डाटा वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप इस पर जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे वाले आपको सेटिंग देखेगा मोबाइल डेटा का, आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक यहाँ से करना है। इस वाले ऑप्शन आप जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे देखते हो फोटो यहाँ पे है और वीडियो और यहाँ पे ऑडियो और यहाँ पे वीडियो से है, यहाँ पे आप तीनों को जो है टिक है ये वाले देख डॉक्यूमेंट जो है टिक है तो आपको यहाँ से कर देना है, इसको जो है अभी कर देना है आपको टिक, तीनों को जो है टिक कर देना है। जैसे कि आपका ये टिक रहेगा तो जो है फोटो वीडियो डाउनलोड होके अपने आप गैलरी में चला जाएगा, और ये जो ऑन टिक रहेगा जैसे कि फोटो है ऑन टिक कर देता हूँ मैं और वीडियो ऑन टिक, तो कोई भी पर्सन मुझे फोटो या वीडियो भेजेगा ना तो मेरे गैलरी में नहीं जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे ऑन टिक कर देना है, आपके फ़ोन में जो है चारों का चार जो है टिक रहेगा तो आपको फोटो या वीडियो गैलरी में चला जा रहा होगा। आपको क्या करना है ऑन टिक कर देना है, ऑन टिक करने के बाद आपको यहाँ से ओके वाले ऑप्शन में यहाँ से कर देना है क्लिक। आप ओके वाले ऑप्शन में आप जैसे क्लिक करोगे यहाँ से आपको बैक आ देना है, बैक जैसे आओगे आपको कोई भी बंदा फोटो या वीडियो भेजेगा तो जो है अपने आप जो है डायरेक्टली गैलरी में नहीं जाएगा डाउनलोड होकर। आपको यहाँ पे दिखाएगा कि आपको डाउनलोड करना है और डाउनलोड करके गैलरी में कैसे लाना है, यानी कि आप तो पता ही होगा गैलरी में कैसे आ जाते हैं अपने आप, वो आ जाते हैं आप डाउनलोड कर लोगे। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, बस मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नया ट्रिक लेके, तब तक के लिए बाय।